फ्रेंड्स, मैं अनुराक्षी और आज मैं बॉडी पार्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, देख इस बात की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज पहले हम करने वाले हैं, हम लंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, लंग्स एक चीज़ होती है जो हमारे फेफड़े में होती है, मतलब चेस्ट में। फेफड़े को इंग्लिश में चेस्ट बोलते हैं, वो चेस्ट के अंदर होती है। तो कि लंग्स एक ऐसी चीज़ है, अगर हम सांस लेते हैं तो बहुत फूल जाती है, अगर हम सांस बंद करते हैं ऐसे और फिर वो पहली जैसी हो जाती है। लंग्स हमारी सांस लेने में हेल्प करती है। ओके, और डू यू हैव टू किडनीज, और वो टू होती है, मतलब कि वो दो होते हैं लंग्स। ओके, और वो सात फूलते हैं। और गाइस, आज हम बताने वाले आइज के बारे में। तो आइज एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं, पर आइज की एक ज़रूरी बात है जिससे आइज ख़राब भी हो सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन मत देखेंगे, उससे आइज को नुकसान पहुंच सकता है, आँख को नुकसान पहुंच सकता है। प्लीज़ आप उनको मत देखा करें, बस आप 5-10 मिनट देखा करिए। ओके गाइस, आइज अगर हमें किसी के बारे में पता चल पड़ता है तो ना हमें पहले उसको ऐसे देखना पड़ता है, फिर यूँ करते हैं तो वो उसकी फ़ोटो खींच देते हैं, हमारे ब्रेन तक चले जाते हैं, तो वो हमें चीज़ पता चल सकती है। ये आइज हमारी देखने में हेल्प करती है। ओके, और नोज हम सांस ले सकते हैं या किसी भी चीज़ को वो स्मेल कर सकते हैं। जैसे कि हम सोचेंगे आइसक्रीम, हम सोचेंगे इसकी स्मेल कैसी होगी, तो हम इसको सूंघेंगे तो कहेंगे वाओ वेरी ब्यूटीफुल स्मेल। तो ऐसे होता है नोज़ का काम, नोज़ यही काम करती है। नोज़ भी हमारे लिए ज़रूरी पार्ट्स है। अब है ईयर्स की बारी। ईयर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सुनाई दे सकती है, जैसे कि हम अगर हमने यू बन करा तो दूसरा वाला लोग बोलेगा कि अरे सुन, तो हम कहेंगे क्या क्या क्या, तो हमें बस ईयर्स होते तभी हम सुन पाते हैं। भगवान जी इन्हें ही हमें ऐसा बनाया है, तो ईयर्स भी हमारे काम आते हैं और वो हमारे सुनने के लिए काम आते। अब आते हैं हम माउथ के बारे में, जिससे मैं आपको जवाब दे रही हूँ। माउथ से हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, माउथ भी हम जैसे जवाब दे सकते हैं। दूसरा कहेगा तुम कैसे हो, हम कहेंगे हम अच्छे हैं, आप कैसे हो, हैप्पी बर्थडे, ऐसे हम माउथ से बोल सकते हैं। और फिंगर्स से हमारा ये काम होता है, जैसे कि हम अगर हमारी फिंगर्स नहीं होती तो वो लोग कैसे उठा पाते, तो हम इस वाले को ऐसे कर पाते फिंगर्स की तरह, नहीं तो हम उठा कैसे पाते। तो फिंगर्स ही हमारे काम होती है, तो हम सोचेंगे अगर फिंगर्स नहीं होती हम कहेंगे अरे उठ क्यों नहीं पा रहा हमसे, क्योंकि ये थोड़ी मुड़ सकते इसके तरह, तो फिंगर्स भी हमारे काम आती है। फ्रेंड्स, तो अब हम जाते हैं स्किन के बारे में। अगर सोचो कि हमारी स्किन नहीं होती तो हम हड्डी जैसे दिखते, बोलो कैसा लगता है हमें, इतना बुरा होता। तो गाइस फ्रेंड्स, स्किन के बारे में हम क्या फील कर सकते हैं उससे ज़्यादा, जैसे कि स्किन नहीं होती हम कहेंगे कैसा फील हो रहा है। तो अगर देखो ये बुक है, मैंने इसको छुआ तो लग स्किन है हमारी, तो हमने इसको छुआ हमने कहा ओ ये तो कड़क है, और जैसे कि हमने रुमाल को छुआ ओ ये तो बहुत सॉफ्ट है, ऐसे हम स्किन से पता कर सकते हैं ये कैसा फील करके। पर अगर हम किसी लोहे के बारे में बोलेंगे हम कहेंगे अरे ये तो बहुत बहुत कड़क है, ये टूट भी नहीं सकता है, इसलिए हम स्किन से ये फील कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब गाइस फ्रेंड्स,
अब स्टोमच के बारे में। स्टोमच हमारा अगर देखो जैसे कि हम खाते हैं कुछ खाना तो स्टोमच में तो ही जाता है, तो स्टोमच भी हमारे काम होते हैं। अगर हमारा स्टोमच नहीं होता तो अब होता तो हड्डी होती है हमारी, और जैसे खाते कहते अरे हमें बहुत भूख लगी होती और हड्डी होती है हमारा स्टोमच होता ही नहीं, तो हम कहते खाते कहते और तो निकल गया हड्डी से तो हम कैसे खाएँ, तो स्टोमच भी हमारे काम आते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए गाइज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती हूँ आपके लिए ऐसी जानकारी, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। गाइज उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। गाइज मैंने एक स्टोरी भी भेजी है जो मेरी फ्रेंड ने सुनाई है, टाटा आप प्लीज़ उसको देखना, उसका नाम स्टोरी लिखा है मैंने। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।